नमस्कार, मैं हूं सचिन चौहान। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिसका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता व प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा की मनोहर सरकार लगातार हरियाणा के हित में कदम उठा रही है। हरियाणा वासियों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री लगातार काम भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में महिलाओं को आर्थिक तौर पर मजबूत करने के लिए हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना चला रही है। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। तो हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना, महिलाओं की पारिवारिक आय 5 लाख या फिर इससे कम हो और इससे पूर्व किसी भी मामले में डिफॉल्टर ना हो, हरियाणा निवास प्रमाण पत्र होना बेहद जरूरी है। तो महिलाओं को आर्थिक सहायता स्वरोजगार स्थापित करने के लिए सरकार की यह पहल है। तीन लाख तक का ऋण 7% ब्याज दर की छूट पर करवाया जाता है उपलब्ध। हरियाणा प्रदेश मनोहर नीतियों से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। संतों और महापुरुषों के बताए मार्ग विकास की इस गति की ओर सशक्त कर रहा है। उन्नति और प्रगति के इस पथ पर मुख्यमंत्री की हरियाणा एक और हरियाणवी एक की नीति भी सहायक साबित हो रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में प्रदेश निरंतर प्रगति के पथ पर नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। युवाओं को बेहतर भविष्य की दिशा मिल रही है और सरकार की योजनाओं से जरूरतमंदों को रोजगार और योजनाओं का सीधा फायदा पहुंच रहा है। आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में कामयाबी की नई ऊंचाइयों को हरियाणा छू रहा है। ये रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा की मनोहर सरकार के कुशल नीति, नेतृत्व और योजनाओं पर चलकर हरियाणा वासी विकास को नई गति प्रदान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा उन्नति और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। तो हरियाणा में हर क्षेत्र में विकास की धारा बह रही है। योजनाओं के जरिए मुख्यमंत्री जरूरतमंदों को लाभ पहुँचाने का काम कर रहे हैं। तो मनोहर नीतियों से संत महापुरुषों के संदेशों को जन जन तक पहुंचाने का काम भी किया जा रहा है। इस कड़ी में मनोहर सरकार के द्वारा शुरू की गई संत महापुरुष विचार सम्मान और प्रसार योजना सही मायने में लाभकारी सिद्ध हो रही है। प्रदेश को सही दिशा में आगे ले जाने की इस अनूठी नीति और योजना के तहत भगवान परशुराम महाकुंभ राज्य स्तरीय समारोह का भव्य आयोजन भी किया गया। तो इतना ही है, उसको विधानसभा का दोबारा से चुनाव लड़ना पड़ता है और जो सांसद अपने 9 विधानसभा में जीत गया तो एक विधानसभा तो जीत ही सकता है। इसलिए मित्रों, भाई बहनों, मेरी सबके प्रति सद्भावना, शुभकामना, सबको आगे बढ़ना है और खास करके युवा पीढ़ी, जिस ब्राह्मण समाज के युवा पीढ़ी ने आज इस कार्यक्रम को सफल किया है, हजारों की संख्या में पूरे प्रदेश से जो आज लोग आए हैं, मैं उनका विशेष तौर पर अभिनंदन करना चाहता हूं। क्योंकि आज का युवा कल को प्रदेश, देश, दुनिया सब में अपना नाम करने वाला है। अपने देश का नाम सब जगह ऊंचा करने का काम हमारा आज का युवा करेगा। तो मैं इस समय पर जो कार्यक्रम है भगवान परशुराम जी के यादगार के दिवस पर, मैं उनको नमन करता हूं। क्योंकि वो भगवान के नाम से इसलिए हम जानते हैं कि वो ब्रह्म ज्ञानी थे, बहुत विद्वान थे, शास्त्र में भी विद्वान थे, शास्त्र की कला भी उनके पास थी। और अपने विचार के साथ अगर किसी का तालमेल न खाए, अगर किसी के ऊपर अन्याय हो रहा है तो अन्याय के विरुद्ध अपना हथियार उठाने में उन्होंने कभी भी संकोच नहीं किया। बड़े से बड़ा उन्होंने ऐसा कर्म कर डाला जो आज हमारे लिए आदर्श के रूप में, सिद्धांत के रूप में जिसको हम अपना सकते हैं। तो ऐसे अवसर पर मैं उस महान प्रकर्मी, तेजस्वी और गरीबों के उद्धारक भगवान परशुराम जी को अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से,
हरियाणा की जनता की ओर से नमन करता हूं। भाइयों बहनों, अपनी परंपरा संत समाज की रही है। बहुत महात्मा लोग ऐसे आए हैं जिन्होंने हमको विचार दिया, शिक्षा दी, संस्कार दिया, रहने सहने की कला सिखाई, एक सुखी जीवन कैसे बने, शांत प्रिय माहौल कैसे रहे, इसके लिए समाज की बुराइयों को दूर करने का काम सबने किया। सरकारें तो अपना विकास के काम में अपना लगी रहती हैं, इतना पैसा यहां से आएगा, इतना यहां चले जाएगा, ये सड़कें बन जाएंगे, स्कूल बन जाएंगे, अस्पताल बन जाएंगे, ये रेलगाड़ी बन जाएगी, जहाज बन जाएंगे, लेकिन समाज को एक वातावरण देना, अच्छे विचारों का वातावरण देना, ये संत महापुरुषों का काम होता है। हमने विचार किया कैसे संतों महापुरुषों के भी याद करने के कार्यक्रम, उनकी जयंतियां, उनके प्रकाशोत्सव ये दिन मनाए जाए, चाहे फिर वो महर्षि वाल्मीकि जी, गुरु रविदास जी, भगत कबीर जी, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु नानक देव जी, गुरु तेग बहादुर जी, बंदा बहादुर सिंह जी, महर्षि कश्यप जी, और चाहे भगवान परशुराम जी। हमारे धनखड़ जी कह रहे थे कि आप तो जयंती मनाने वाले एक मुख्यमंत्री के रूप में प्रसिद्ध हो गए हो, क्योंकि अभी 20 तारीख को एक हिसार के अंदर बाबा सूरसेन जी की जयंती का कार्यक्रम भी मुझे रख के बताया कि उसमें भी आना है। इसका हेतु क्या है? हेतु यह है कि महापुरुषों को बार बार याद करने से हमारे जीवन की कुछ कमियां दूर होती हैं, इसलिए हम उनको याद करते हैं। और इस काम में सरकार ने योजना बनाई है कि संत महापुरुष विचार मान सम्मान के जो कार्यक्रम है, ये योजना है, इसको हम लगातार करते रहेंगे। इसका अभाव था, इसको हम दूर कर रहे हैं, इस ओर आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि जो ब्राह्मण समाज है, भगवान परशुराम जी के चिन्हों पर चलने वाला, जैसे कहा कि ये कुछ जन्म और जाति से पहचान नहीं होती है ब्राह्मण समाज की। ब्राह्मण समाज जैसा एक शब्द का अर्थ अगर निकाला जाए, ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है, जो भगवान के दर्शन करा सके वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण को ज्ञान है, ज्ञान भक्ति भाव वो सिखाता है, सदाचार वो सिखाता है, शिक्षित वो करता है, कुशलता वो सिखाता है। बहुत से ऐसे गुण होते हैं व्यक्ति के, उन गुणों को आगे बढ़ाने के लिए और समाज को एक दिशा देने का काम ये हमारा समाज करता है। और हां, अन्याय के साथ लड़ाई का काम भी भगवान परशुराम जी की सोच की देन है, अन्याय सहन नहीं करना है। संत महापुरुषों के बताए गए रास्ते पर चलते हुए हरियाणा की मनोहर सरकार ने हरियाणा के हित में कई बड़े कदम उठाए हैं, जिनका लाभ हरियाणा के नागरिकों को मिल रहा है। संत महापुरुषों के बताए गए रास्ते पर चलते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल भाई भतीजावाद, जात पात समेत क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर नागरिकों के हित में लगातार मनोहर योजनाओं पर काम कर रहे हैं, जिसका फायदा नागरिकों को जमीनी स्तर पर हो रहा है। 2014 में जब पहला चुनाव करनाल से लड़ा, एक नारा दिया था, हरियाणा एक, हरियाणा में एक, हरियाणा एक है तो सारे हरियाणा मिलकर के करेंगे, हम जाति पाति के भेदभाव में नहीं चलेंगे। तो इसलिए मित्रों, हमको ये विषय भी ध्यान रखना है। और जहां तक आचार्य चाणक्य की बात है, कभी कभी ये भी आता है कि इनके ऊपर जितना शोध होना चाहिए उतना शोध नहीं हो रहा। तो मैं ये घोषणा और करता हूं कि महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, उसमें आचार्य चाणक्य के नाम से एक चेयर स्थापित की जाएगी, ताकि उनका जो है पूरे समान सम्मान के साथ उनके किए हुए कामों के ऊपर ध्यान हो, और आचार्य चाणक्य के बारे में पूरी खोजबीन करके और समाज को हम दिशा दे सकें। मित्रों भाइयों बहनों, बहुत से ऐसे समाज के जो आप काम करते हैं, सरकार भी ऐसे ही काम करती है। खास करके अगर मैं कहूं तो ये जो गरीबों के कल्याण के लिए बहुत सी योजनाएं हमने बनाई हैं, ई गवर्नेंस हमने शुरू किया है, हमने परिवार पहचान पत्र शुरू किया है। गरीबी रेखा के नीचे जो लोग हैं वो बहुत बड़ी संख्या में हमारे यहां हैं, लेकिन पहले सरकार के जो नियम थे उसके कारण से केवल 9.5 लाख परिवार उसमें आते थे। हमने उस लेवल को थोड़ा आगे बढ़ाकर अब उसके अंदर
28,89,000 परिवारों को उसमें शामिल किया है कि वो गरीबी रेखा के नीचे आएंगे, उनको हर प्रकार का लाभ दिया जाएगा। और जब हर प्रकार के लाभ की बात आती है तो गरीब कौन है कौन नहीं है, इसका जैसे उल्लेख हो रहा था कि हमारा बोर्ड उसका एक प्रकार से पहचान करेगा, अब वो जमाना अलग हो गया, क्योंकि आज आईटी के माध्यम से हम सब घर घर की जानकारी रखते हैं। आज हमको पता है किस जाति में किस आय के कितने लोग हैं, आय के हिसाब से। भैया ढोल बंद कराओ जरा। तो ये आय के हिसाब से, गरीबी तो आय के हिसाब से ही होती है, तो हमने 1,20,000 की बजाय 1,80,000 तक भी जो परिवार आ जाएंगे उनको गरीबों का सब लाभ मिलेगा, उनको कोई फीस स्कूलों में नहीं देनी पड़ेगी, उनको इलाज के लिए जो 5,00,000 रुपए का बीमा है केंद्र सरकार ने तो 15,00,000 लोगों का किया है, हमने उसके अंतर्गत अब 28,89,000 अर्थात 14,00,000 परिवार उसके अंदर बढ़ा दिए हैं। अगले एक महीने के अंदर सभी परिवारों को गोल्डन कार्ड 5,00,000 रुपए का मिल जाएगा ताकि इलाज के ऊपर किसी का खर्च ना हो। आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में नागरिकों को भटकना नहीं पड़ रहा है, बल्कि मनोहर योजनाएं पारदर्शी तरीके से खुद चलकर जरूरतमंदों तक पहुंच रही है और नागरिक सरकार की योजनाओं का लाभ उठा पा रहे हैं। आज हरियाणा में नागरिकों को स्वास्थ्य जांच या इलाज के लिए भटकना नहीं पड़ रहा है, रोजगार के लिए दर दर ठोकरे खाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, बल्कि हरियाणा में मनोहर नीतियों से हर जरूरतमंदों को योजनाओं का लाभ और रोजगार दिया जा रहा है, जिसके लिए सरकार पारदर्शी तरीके से काम कर रही है। प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ठीक करनी है, मेडिकल की व्यवस्थाएं ठीक करनी है। पहले तो मेडिकल की व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए जो हमारा गॉड ब्राह्मण आयुर्वेदिक कॉलेज है, हर साल उसको सीटों के लिए सेंक्शन मांगनी पड़ती है। तो आपकी जानकारी के लिए इस साल की 100 BAMS की सीटें ये मंजूर करके हमने भेज दी हैं ताकि 100 बच्चों को और एडमिशन मिल जाए। और साथ ही वहां पर MS और MD की मांग है, 7 सब्जेक्ट में 5-5 सीटें, 35 MS MD की सीटें भी हम अपनी ओर से मंजूर करके केंद्र सरकार को भेज रहे हैं ताकि तुरंत वहां से परमिशन मिले और इस बार का MS और MD का एडमिशन उन बच्चों को वहां मिल सके। और ऐसा ही एक संस्थान के नाम की जो बात मैं कह रहा था, हमारे मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं, लगभग हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज हो जाएगा। अभी कैथल मेडिकल कॉलेज की नींव ये रखी जा चुकी है, लेकिन नाम नहीं रखा था, हमने तय किया है कि कैथल मेडिकल कॉलेज का नाम भगवान परशुराम मेडिकल कॉलेज रहेगा, ये भी जानकारी आपको देनी है। मित्रों, सरकार के कामों में जैसा मैंने बताया, हमने अंत्योदय के नाते जो काम किए हैं उसके अंदर व्यवस्था परिवर्तन में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, जिनकी इस परिवार की आय 1,00,000 रुपए से कम है, इन सब की आय को कैसे 2,00,000 से ऊपर किया जाए, इसके लिए सरकार काम कर रही है। लगभग 32,000 परिवारों के लिए सहायता जो मंजूर कर दी है, उनको लोन मिलेगा, बैंक से मिलेगा, नहीं तो उनको नौकरी मिलेगी, ये सारा हम काम कर रहे हैं। और जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम है उसमें भी बहुत लोग आलोचना कर रहे हैं उसकी, कि आय का कौन सा पैरामीटर होता है नंबरों का। हमने कहा नहीं, जो सबसे ज्यादा गरीब है उसको सबसे ज्यादा नंबर देंगे, अगर 1,00,000 से नीचे आमदन है तो उसको 50 नंबर देंगे, 1,80,000 है तो उसको 40 देंगे, उसके ऊपर 30, 20 और आखिर में 10 नंबर, ताकि जिसके परिवार में कोई कमाने वाला है ही नहीं, अगर वो योग्यता रखता है तो पहले उसको नौकरी क्यों ना दी जाए। बोलो, गरीब को पहले नौकरी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? गरीब को पहले नौकरी मिलनी चाहिए। हम समाज के उस प्रकार के काम कर रहे हैं जो आज तक किसी सरकार ने नहीं किए। हमने कहा कि जिसके घर में एक भी सरकारी नौकरी नहीं है उसको ज्यादा नहीं तो 5 नंबर अतिरिक्त दे दो, ताकि शायद उन 5 नंबरों के कारण से भी वो आगे बढ़ के आ सके। और आपकी जानकारी के लिए जितनी सरकारी नौकरियां मिल रही हैं, लगभग 60% लोग ऐसे हैं जो केवल इन 5 नंबरों के अतिरिक्त मिलने के कारण से ही आ रहे हैं, 60% लोग ऐसे हैं। तो मित्रों, हम ऐसी बहुत सी योजनाएं, खास करके आयुष्मान का, जैसे मैंने बताया आयुष्मान भारत के साथ साथ चिरायु भारत एक नई योजना शुरू की है, और ऐसे ही हर व्यक्ति के शरीर का स्वास्थ्य परीक्षण हो, यह योजना भी इन्होंने बनाई है जिसका नाम रखा है निरोगी हरियाणा। अब इसमें क्योंकि
बहुत सी व्यवस्था करनी पड़ती है, जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, सीएचसीज, पीएचसीज, डिस्पेंसरीज, सब जगह उनके परीक्षण की व्यवस्था की जाएगी, ताकि अगले एक साल के अंदर अंदर जब भी जो जहां जाएगा उसका परीक्षण होगा। 1,25,00,000 लोगों का परीक्षण इस साल के अंदर हो जाएगा, आधी से ज्यादा आबादी, ताकि किसी को कोई बीमारी हो गई प्रारंभ में उसको चेक किया जा सके और उसको इलाज की तरफ आगे बढ़ सके। संतों और महापुरुषों के बताए मार्ग पर चलते हुए हरियाणा सरकार ने मनोहर नीतियों और योजनाओं से हरियाणा के हित में नागरिकों का भला करते हुए प्रदेश को आगे ले जाने का काम किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में आज हरियाणा प्रदेश उन राज्यों में शामिल हो चुका है जहां सबसे तेजी से विकास के काम हो रहे हैं, और यही कारण है कि आज हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है, जो कि हरियाणा की मनोहर सरकार के कुशल नेतृत्व को दर्शाता है। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। हरियाणा और हरियाणा वासियों के हित में मुख्यमंत्री मनोहर लाल नीतियों और योजनाओं पर काम कर रहे हैं, जिसका लाभ जरूरतमंदों को मिल भी रहा है। इसी कड़ी में हरियाणा को स्वस्थ बनाने के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसके तहत हरियाणा सरकार चिरायु हरियाणा योजना पर भी काम कर रही है। इसके तहत जरूरतमंदों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। आइए ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं। तो चिरायु हरियाणा, हरियाणा के 1.25 करोड़ लोगों को 5,00,000 तक मुफ्त में यह इलाज मिलेगा। और आपको बता दें कि 2000 स्थानों पर 5,00,000 परिवारों को ये चिरायु कार्ड बांटे गए हैं और 31 दिसंबर तक 1.25 करोड़ लाभार्थियों को वितरण करने का ये टारगेट रखा गया है। गांव और शहरों में कार्ड वितरण शिविर ये लगाए गए हैं। और वही एक बेहतरीन सरकार और उम्दा शासन व्यवस्था का परिचय यही है कि उस प्रदेश में विभिन्न सुविधाओं और सेवाओं का लाभ सबसे निचले स्तर पर यानी कि गरीब और जरूरतमंदों तक पहुंच सके। हरियाणा की मनोहर सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि प्रदेशवासियों को हर एक योजना का लाभ मिल सके, और इसी कड़ी में मनोहर सरकार की ओर से परिवार पहचान पत्र योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के जरिए लाभार्थियों का चयन सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना के आधार पर किया जाता है। पात्र नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ परिवार पहचान पत्र के जरिए मिल भी रहा है। एक कुशल सरकार और एक बेहतरीन शासन व्यवस्था की पहचान ये होती है कि उसे समस्त नागरिकों के लिए उपलब्ध विभिन्न सेवाओं और योजनाओं का लाभ उन तक पहुंच सके। इसे सुनिश्चित करने का कार्य एक कुशल नेतृत्व वाली सरकार ही करती है। यहाँ ये भी सुनिश्चित किया जाना जरूरी है कि पात्र नागरिकों तक प्रदान की जाने वाली तमाम सेवाएं और सुविधाएं उन तक समय पर ही पहुंच सके। हरियाणा सरकार ने पिछले 8 वर्षों में इस दृष्टि से एक सुशासित व्यवस्था को विकसित किया है। प्रदेश के हर एक नागरिकों को सरकार की ओर से चलाई जा रही तमाम योजनाओं का लाभ देने के लिए हरियाणा सरकार ने सुशासन की दिशा में कई कदम उठाए हैं। सरकार ने इसके लिए परिवार पहचान पत्र योजना शुरू की है, जिसके जरिए आज लाभ पात्र नागरिकों तक पहुँचना शुरू हो गया है। परिवार पहचान पत्र हरियाणा में रहने वाले लोगों के लिए सुनिश्चित करता है कि सभी लाभार्थियों को केंद्र और राज्य सरकार की सेवाओं और योजनाओं का लाभ मिलता रहे। मेरा परिवार मेरी पहचान के तहत लाभार्थियों को चयन सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना के आधार पर पात्र किया जाता है। नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं और योजनाओं के लाभ मिल सके, इस योजनाओं के तहत राज्य के लाखों परिवारों को लाभान्वित हुए हैं। हरियाणा की मनोहर सरकार परिवार के विशेष पहचान पत्र में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार परिवार के पात्रता की पता लगाएगी और फिर परिवार को सभी सेवाओं और योजनाओं का लाभ प्रदान करेगी। हरियाणा परिवार पहचान पत्र के तहत लाभार्थी का पूरा ब्यौरा दर्ज होगा। इस योजना के तहत हरियाणा के प्रत्येक परिवार के लिए 14 अंकों का विशिष्ट पहचान पत्र तैयार कर प्रत्येक परिवार को प्रदान किया जाता है। ये 14 अंकों के पहचान पत्र एकल और संयुक्त दोनों तरह के परिवारों के लिए तैयार किए जाते हैं। हरियाणा परिवार पत्र के जरिए प्रदेश के सभी परिवारों का एक प्रमाणिक, सत्यापित और विश्वसनीय डाटाबेस तैयार किया जाता है। ये कार्य पूरा हो जाने के बाद नागरिक केंद्रित सेवाओं का पूर्ण रूप से वितरण किया जा सकेगा। साथ ही एक व्यवस्थित प्रणाली होने से सेवाओं और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के दायरे में सभी पात्र लोगों को लाभ पहुंचाना हरियाणा की मनोहर सरकार का दायित्व है कि सभी योजनाओं का लाभ मिल सके। हरियाणा की मनोहर सरकार ने इस दिशा में बेहद सराहनीय कदम उठाए हैं।
समाज के पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को लेकर सरकार बेहद संजीदा दिखाई दे रही है। ऐसे लोगों के लिए योजनाएं और उन योजनाओं के फायदे पात्र लोगों तक पहुंचने के लिए भी सार्थक कदम उठाए गए हैं। हरियाणा सरकार राज्य में प्रत्येक परिवार को विशिष्ट पहचान पत्र प्रदान करने के लिए परिवार पहचान पत्र पोर्टल meraparivar.haryana.gov.in लॉन्च किया है। ये पोर्टल सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करके लोगों को पारदर्शी और सरल तरीके से सरकारी योजनाओं का लाभ देने की सुविधा प्रदान करेगा। इस ऑनलाइन पोर्टल के जरिए प्रदेश के लोग परिवार पहचान पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसका लाभ उठाने के लिए उपस्थित हमारे कार्ड धारक बंधु, अन्य सभी उपस्थित सज्जन वृंदा, जैसा बताया गया भूमिका में कि जब हम सरकारी कामकाज को देखते हैं, केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की बहुत सी ऐसी योजनाएं होती हैं, स्कीम्स होती हैं, जिनको बनाया तो जाता है, बजट के समय घोषित किया जाता है, उसको पहुंचाने के लिए अलग अलग विभागों की जिम्मेवारी भी होती है, लेकिन ध्यान में ये आया है कि सभी विभाग इंडिपेंडेंटली अपना अपना काम करते हुए, सब डाटा उनका अपने अपने विभागों का अलग अलग होता है, और फिर मैनुअल तरीके से वो चीजें आगे नीचे तक ले जाने का प्रयत्न किया जाता है, लेकिन शिकायतें भरमार होती हैं। पात्र व्यक्ति को स्कीम का लाभ मिलता नहीं है और कई बार अपात्र व्यक्ति उस स्कीम का लाभ ले जाते हैं, या कभी कभी डुप्लीकेसी बहुत हो जाती है, एक ही व्यक्ति जिस स्कीम का लाभ नहीं लेना चाहिए उसका ले लेता है, और कई बार तो डबल डबल भी ले लेता है। जितनी स्कीमें हैं इनका सब लाभ योग्य व्यक्तियों तक ठीक से पहुंचा दिया जाए, समाज का जो पंक्ति में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति या अंतिम परिवार, तो स्कीमें इतनी हैं कि मैं समझता हूं बहुत जल्दी गरीब समाज का जो उसकी आवश्यकता है उसकी पूर्ति, उसके हित की चिंता, ये सब हम कर सकते हैं। उसी में से ये विचार आया था कि क्यों ना आज टेक्नोलॉजी के समय में जो जिस प्रकार प्रौद्योगिकी विकसित हो रही है देश और दुनिया में, इसका लाभ उठा करके क्या हम सब व्यक्तियों की सब परिवारों की गिनती करके एक जगह नहीं रख सकते और उसका डायनेमिक डाटा नहीं बना सकते। हमारी बहुत स्कीमें होती हैं 10 साल का पिछला जो डाटा होता है उसके ऊपर चलती रहती है। SECC डाटा 2011, उस समय कोई डाटा बन गया होगा, ठीक बना गलत बना, आज जो नई स्कीम है उसके आधार पर देते हैं। केंद्र सरकार की ओर से निर्देश है, हमारा भी उसमें कोई ऐसा दोष नहीं, लेकिन इसको क्या हम डायनेमिक डाटा बना करके 10 साल में तो बहुत परिवर्तन हो जाते हैं। एक सामान्य गरीब परिवार काम धाम से, नौकरी से, अपने उद्यम से आगे बढ़ सकता है, शायद उसकी आवश्यकता आज नहीं रही 10 साल पहले थी, और 10 साल पहले कोई अच्छा परिवार था, संपन्न परिवार था, कोई कारण बन गए होंगे, आज उसकी आवश्यकताएं बढ़ गई, उसको आज कुछ नहीं मिलता है। तो इस सारे में अब उस डायनेमिक डाटा को तैयार करने के लिए इस विषय की शुरुआत की थी। मेरा परिवार मेरी पहचान ये हरियाणा सरकार की वो अनूठी पहल है जो नागरिकों को सीधा लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई है। इस योजना के लागू होने से बिचौलियों की गुंजाइश जड़ से समाप्त हो गई है। ये एक बहुआयामी योजना है जिससे अनेकों सुविधाएं और सुगमताएं जुड़ी हैं। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं, इससे विभिन्न आवेदन प्रक्रियाओं में और तेजी आएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के आवेदन में आसानी होगी, पात्र जन चिकित्सकीय योजनाओं से स्वतः जोड़ सकेंगे, पात्र लोगों की राशन कार्ड आसानी से जारी हो सकेंगे, पात्र लोगों को विभिन्न पेंशन सुविधाओं के दायरे में लाया जा सकेगा, व्यवस्था और नागरिकों के बीच पारदर्शिता कायम होगी, अधिक पात्र लोगों को समाज कल्याण योजनाओं का लाभ मिल पाएगा, लाडली और विवाह शगुन योजनाओं का भी लाभ मिलेगा, कृषि व बागवानी से जुड़े सब्सिडी पात्र लोगों तक पहुंच पाएगी, परिवार के लापता सदस्यों को ट्रैक कर पाने में मददगार साबित होगा, सरकारी नौकरियां पाने में सहायक सिद्ध होगा, विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएं हासिल करने में मददगार होगा, उन सेवाओं का लाभ मिल सकेगा
जिसके लिए सिर्फ प्रदेश के नागरिक ही पात्र हैं। ये सरकार की वो महत्वाकांक्षी योजना है जिससे हरियाणा प्रदेश की गवर्नेंस छवि को देश भर में ख्याति मिल रही है। इस योजना के लिए सॉफ्टवेयर तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसकी मदद से आपको एक जगह बैठे हुए सारी जानकारी बेहद सरलता से उपलब्ध हो सकेगी। इसमें अगर आपको खुद से जुड़ी किसी अपलोड जानकारी में गलती नजर आ रही है या आप उसमें किसी तरह का बदलाव करना चाहते हैं, तो आपको किसी केंद्र के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि पोर्टल सभी जानकारियों को अपलोड कर देगा। यहाँ तक कि अगर किसी लड़की का विवाह होता है तो पोर्टल के जरिए लड़की का नाम पिता के परिवार से हटाकर पति के परिवार में जोड़ दिया जाएगा। राज्य के नागरिकों को परिवार पहचान पत्र बनवाने के लिए आवेदन करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल की सुविधा प्रदान कर रही है। राज्य के लोग बड़ी ही आसानी से घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से परिवार पहचान पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से राज्य के नागरिकों को रजिस्ट्रेशन की सुविधा इसलिए दी जा रही है कि ताकि उन्हें कहीं जाना न पड़े। इस ऑनलाइन पोर्टल का उद्देश्य पंजीकरण प्रक्रिया को गति देना और अधिक से अधिक लोगों को इस योजना से जोड़ना है। इस कार्यक्रम के तहत हर नागरिक और हर परिवार डेटा जाता है, जिसका इस्तेमाल लोगों के जरूरत के हिसाब से योजनाएं बनाने के लिए किया जाएगा। इतना ही नहीं, आत्मनिर्भर हरियाणा कार्यक्रम के तहत भी इस डेटा का उपयोग किया जा सकेगा। परिवार पहचान पत्र योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? इस योजना से लाभ उठाने के लिए आवेदक को सबसे पहले परिवार पहचान पत्र योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जाएगा। इस पोर्टल पर राज्य के लोग देख सकते हैं विकलांगता, विधवा, वृद्धावस्था, पेंशन लागू किया जाए। इसके अनुसार CSCS के ऑपरेटर फिर पेंशन योजनाओं की आवेदन फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। परिवार पहचान पत्र परिवर्तन का एक बड़ा माध्यम साबित हो रहा है, क्योंकि न केवल सरकार जनता के बीच की दूरी को खत्म करेगा, बल्कि सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के जरिए ये लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का प्रभावी और कुशल वितरण भी शुरू करेगा। हरियाणा सरकार लगातार प्रदेश के हित में कई योजनाएं चला रही है, ताकि जनता को हर एक योजनाओं का लाभ मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।